तो ये है क्वेश्चन नंबर 71 आपकी बुकलेट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या दिया है, कॉस ए की वैल्यू दी है कितनी, 3/4, और अपन को एक एक्सप्रेशन दिया है 32 साइन ए बाय 2 साइन 5a/2। और अपनी चाहते क्या है, अपनी चाहते ये है कि ये जो साइन ए बाय 2 या साइन 5a/2 लिखा है इसको अपन कॉस ए में कन्वर्ट कर दें। तो अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपन को एक फॉर्मूला आता है ऐसा जिसमें साइन ए साइन बी वाला, ठीक है, तो अपन पहले वो लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अपने एक्सप्रेशन को 16, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, 16 into 2 sin a/2 sin 5a/2, ठीक है। तो ये 16, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे कॉस की टर्म में, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाय टू, ए की जगह है अपना ए बाय टू और बी की जगह है 5a/2, ठीक है। तो बी बी कितना है अपना, -5a/2, ठीक है, ये होगा माइनस कॉस ए बाय टू प्लस 5a/2, ठीक है। अपनी चाहते पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है। तो हो जाएगा 16, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप तो क्या आएगा, a/2 - 5a/2, मतलब a - 5a/2, तो मतलब कॉस -2a, ठीक है, और यहाँ पे आएगा कॉस 3a। अब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, तो हो जाएगा कॉस 2a - cos 3a। अब अपन कॉस 2a को कॉस ए में कैसे लिखते हैं, ये तो बहुत सरल फॉर्मूला है, सबको याद होगा, 2 cos² a - 1, ठीक है, और हो गया 16 माइनस, इसको अपन को कॉस ए के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 4 cos³a - 3 cos a, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, कॉस ए की जगह 3/4 रखना है बस, और अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ये होगा 16 और यहाँ पे आएगा 2, जैसे ही अपन 3/4 रखेंगे तो, लेकिन कॉस स्क्वेयर ही है तो हो जाएगा 9/16 -1, ठीक है। अंदर क्या वो होगा, यहाँ पे 4 cos³ a, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64 -3 into 3/4, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, पेज को स्लाइड कर लूँ मैं, इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 into 18 by 9 by 8। 9/8 कैसे हो गया, क्योंकि इस 2 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है, -1, ठीक है, और माइनस ये इससे कितने टाइम्स कटेगा, ये कट जाएगा 16 टाइम्स, ठीक है, 16 4 64, तो ये हो जाएगा 27/16 -9/4, ओके। और आगे सॉल्व करते हैं अपन, तो हो जाएगा 16, 9/8, 9/8 -1 हो जाएगा 1/8 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, अगर अपन 4/4 करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा 16 और ऊपर आ जाएगा 27 - 36, तो 27 - 36 होता है -9 और बाहर एक माइनस है तो हो जाएगा +9, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ पे अपन 2/2 कर देंगे क्योंकि अपन को डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हो जाएगा 16 2 + 9, 2 + 9 होता है 11,
इंटू 16, इस 16 से ये 16 कटेगा, अपना आ जाएगा आंसर 11। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, हेंस ऑप्शन सी इज आर आंसर।